इस साल होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव के दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जहां इस लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं इसी दौरान कई नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जोरों से जारी है। इसी बीच होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी के बीच आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि चांदनी चौक से पार्टी विधायक अलका लांबा के पार्टी छोड़ने की चर्चा जोर शोर पर है। इस बात का इशारा खुद अलका लांबा ने एक ट्वीट के जरिए दिया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अलका लांबा ने बड़ा बयान दिया है। आज अलका लांबा ने बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे तो मैं निश्चित तौर पर पुरानी पार्टी में वापसी करूंगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक भी यह खबर आ रही है कि अलका लांबा जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकती है। इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि अलका लांबा सिर्फ कांग्रेस के एक इशारे का इंतजार कर रही है। अलका लांबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला अभी तक। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के लिए 20 साल दिए हैं, कांग्रेस इस मुद्दे पर फैसला लेगी। उन्होंने आगे कहा कि बिना आमंत्रण के पहुंचे मेहमान का कहीं सम्मान नहीं होता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इशारा करते हुए एक ट्वीट करते हुए लिखा कि 5 साल पहले दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए मैंने कांग्रेस का 20 साल का पुराना साथ छोड़ा, बीजेपी हारी। आज जब देश में बीजेपी को हराने की बारी आई है तो 5 साल का साथ छोड़ना गलत कैसे। आज देखकर खुशी हो रही है कि आप और मैं दोनों कांग्रेस के हाथ मजबूत करते हुए बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे कहा कि मैं हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ रही हूँ। मैंने यही सोचकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे लगा था कि अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम पार्टी है, लेकिन अब इस चुनाव से पहले सब कुछ साफ हो चुका है, स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी कांग्रेस से जुड़ना चाहती है तो मेरा कांग्रेस में जाने का फैसला गलत नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि अलका लांबा और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद की खबरें पिछले काफी दिनों से आ रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि चांदनी चौक सीट से अलका लांबा की सांसद बनकर संसद पहुंचने की इच्छा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहां पहले से ही पंकज गुप्ता को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इस स्थिति में अलका लांबा का इस सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ पाना मुश्किल है। वहीं यह भी गौर करने वाली बात है कि दिल्ली की किसी भी सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इसी स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि अलका लांबा को कांग्रेस ऑफर दे सकती है। वर्तमान में चांदनी चौक से विधायक होने की वजह से कांग्रेस पार्टी अलका लांबा पर दांव लगा सकती है। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।